अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे 4, इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग 476 ऑल आउट, इंग्लैंड लीड 101 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग 96 बाई 2 34 आवर, न्यूजीलैंड ट्रायल बाई 5 रन विद 8 विकेट रिमेनिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बिल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए वीडियो की जाने। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट चौथे दिन का खेल खत्म। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग में 46 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर 34 ओवर में। न्यूजीलैंड की जानिब से इनिंग का आगाज किया लेथम और रेवल ने। रेवल को जल्दी पवेलियन भेज दिया, उन्होंने 2 बालों का सामना किया, बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। उसके बाद लेथम को भी 18 रन के इजाफा किया स्कोर में, उनको भी पवेलियन जल्दी भेज दिया, उन्होंने 29 बालों पर 18 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। कप्तान विलियम और टेलर क्रीज पर मौजूद हैं और मुख्ताज अंदाज से खेल जारी रखा। दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का ही मूवी, दोनों क्रीज पर मौजूद है, नट आउट है। कप्तान विलियम ने 86 बालों पर 32 रन बनाए 4 चौकों की मदद से। टेलर ने 51 बालों पर 20 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, और इस तरह 75 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर 27.6 ओवर में न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड को मजीद 5 रन दरकार है इंग्लैंड की सबकत बराबर करने के लिए, और उसकी 8 विकेटें बाकी हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने पहले इनिंग 476 पर ऑल आउट हो गई, 476 रन बनाए इंग्लैंड ने पहली इनिंग में, और इस तरह 101 का लीड हासिल किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। इंग्लैंड की जानिब से बर ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 101 रन बनाए 209 बालों का सामना किया 15 चौकों की मदद से। सिबी ने 20 बालों पर 4 रन बनाए और डेनी ने 8 बालों पर 4 रन बनाए। कप्तान जे रूट ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए ब्रिलियंट बैटिंग बाय कप्तान जे रूट 226 इनिंग बाय 441 बॉल्स 22 for 16 जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कप्तान रूट की जाने से, उन्होंने 226 रन की इनिंग्स के लिए और स्कोर 476 में को 476 पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। स्टोक ने 59 बालों पर 26 रन बनाए 4 चौकों की मदद से, और खेरवन ने 6 बालों पर 1 रन बनाया। पॉप ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 75 रन बनाए 202 बालों का सामना किया 6 चौकों की मदद से, और केरन ने 15 बालों पर 11 रन बनाए 1 चौकों की मदद से। वॉक्स ने 3 बालों का सामना किया, बगैर कुछ रन बनाए आउट हो गए। एचर ने 12 बालों पर 8 रन बनाए 1 चौके की मदद से, और बोर्ड ने 3 बालों पर कोई रन नहीं बनाया, बगैर कुछ रन बनाए आउट हो गए। इस तरह इंग्लैंड ने 476 रन बनाए ऑल आउट हो गए 162.5 ओवर में, और 101 का लीड हासिल किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के जाने से बॉलरों में कामयाब बॉलर रहे साउथी ने 37 ओवर में 4 मेडन 90 रन देकर 2 विकेट हासिल की। हैरी ने 33 ओवर में 6 मेडन 87 रन देकर 1 विकेट हासिल की। वायकल ने 37.5 ओवर में 3 मेडन 124 रन देकर 5 विकेट हासिल की, और सेटनर ने 35 ओवर में 4 मेडन 88 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। इंग्लैंड की जानिब से दूसरी इनिंग में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया हैरी ने, उन्होंने 8 ओवर में 1 में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वॉक्स ने 5 ओवर में 3 मेडन 2 रन देकर 1 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग में 75 रन बनाए 2 विकेटों की नुकसान पर, उसको सबकत बराबर करने के लिए 5 रन दरकार। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा न्यूजीलैंड की जानिब से कप्तान टेलर और कप्तान विलियम और टेलर ने जबरदस्त और मुख्ताज अंदाज से खेल रहे क्रीज पर मौजूद हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।